सुबह सुबह का टाइम है, बारिश शुरू हो गई है। 5 बजे से उठी हूँ तो ऐसे बिजली गरज रही थी, अंधेरी इतनी जोर की चली हुई थी, लेकिन अब तो बारिश शुरू हो गई है। नमाज भी पढ़ ली है, नमाज का टाइम ख़त्म हो गया, 6 बज गए हैं। तो बारिश को देखो इतनी तेज़ बिजली गरजी है, मैं तो वापस अंदर चली गई थी। अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक रहमत रहमत वाली बारिश हो। रात को तो थोड़ी थोड़ी आई थी, अब तो बहुत। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे क्लिप्स दिखाऊंगी जो मैं 2-3 दिन के, मतलब अमीन कुछ बनाती हुई, कुछ मैंने बनाए लेकिन वो ब्लॉग में ऐड नहीं कर पाई मैं, तो आज उन सबको जमा करके एक ब्लॉग मैंने बनाया जो आप देख रहे हैं। 8 बजे का टाइम है लेकिन अभी भी अंधेरा है, बारिश हो रही थी। यहाँ अब्दुल ने चारपाई बिछाई है और यहाँ पे बैठ के लेस खा रहा है और मौसम ब्लॉग में खानी है, खा रहा है, मौसम एंजॉय कर रहा है। देखना यहाँ मुंह पर लगी होगी अब्दुल, नाश्ता अब बनाती हूँ। अब्दुल हाँ, क्या खा रहे हो? सुबह सुबह नाश्ता इसका हो रहा है। मौसम कैसा है? अब तो अंधेरा अंधेरा गली में, रात को इतनी अंधेरी आई है ना। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और हम लोग बैठ के मौसम एंजॉय कर रहे हैं। कल शाम से बारिश होना शुरू हुई है, वक्त से हो ही रही है। सुबह को बहुत तेज बारिश थी, अभी रुकी, बिजली इतनी कड़की है नमाज के टाइम। हाँ जी, बहुत बिजली है, बहुत खौफनाक बिजली जी हो रही थी, आवाज क्या कड़क कड़क रही थी। अब भी बादल गरज रहे हैं, अभी बारिश आएगी। तो आज की रूटीन देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पूरी देखिएगा। मैं अभी नाश्ता नहीं बना रही, अभी बैठी हूँ। और वो किचन की जो छत है ना, वो टपकती रहती है, बारिश आती है ना तो पानी ऊपर जमा हो जाता है, तो वो टपक रही है अभी भी, स्लेब के ऊपर पानी ही पानी हुआ पड़ा है, इसलिए मैंने थोड़ा ठहर के नाश्ता बनाया। ओए न कर, पानी वहां से खत्म हो गया तो फिर नाश्ता बनाती हूँ। जब से मैं पैदा हुई तब से लेकर अब तक जितनी खौफनाक बिजली आज मैंने देखी थी ना कड़कते हुए, शायद मैंने पहले कभी भी नहीं देखी। मतलब इतनी खौफनाक आवाज़ और एकदम से ना पूरा रोशनी हो गई, हालांकि उस टाइम बादलों की वजह से अंधेरा था, लेकिन ऐसी बिजली कड़की कि रोशनी हो गई, बहुत खौफनाक आवाज़ थी। बाद में पता चला कि इसी बिजली की वजह से कुछ हादसे भी हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी बेटियाँ, बेटे, बहन भाई, सब कैसे हो? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे, अल्लाह पाक की रहमतें हों, बरकत हो, सुख सेहत हो। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आपके सामने बैठी हूँ। ये देखें, ये बन खा रहे पकोड़े, पकोड़े समोसे, ठंडे मौसम में पकोड़े नादिया ने बनाए हैं, तो नादिया ने भेजे हैं। दिखाओ अब्दुल्ला, हाय खाओ, ओए केचप मैं डाल दूं, इधर आओ ना, डाल दो। और यहाँ पे सब बच्चे भी खा रहे हैं पकोड़े, थोड़े से इधर भी डालो अब्दुल्ला, इधर भी केचप डाल दो, हमें भी, हम भी खाएं, इंजॉय करें। ना सूरज भी नहीं निकला, असल भी वापस आ रहे हैं, सारा दिन अंदर ही बैठे रहे हैं। और दिखाओ सही, ओए चल बस कर, बस भी कर दे, इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी डाल दो, सब के ऊपर ही लगा, दिखा मुझे। ये है सालन, उस दिन वाला बचा हुआ था, बाकी कुछ नादिया ने सुबह सालन दिया था, दोनों सालन को मिक्स कर दिया है और इसको किया है गरम, और साथ में मंगवाए हैं नान। तो ये है आज हमारा खाना, आज हमने जुगाड़ लगाए हैं। 2-3 सालन बचे हुए थे, उनको मिक्स किया, गरम किया। मैंने कहा मैं अपनी शक्ल भी दिखाऊं सुबह, आज तो सर्दी लगती है, मैंने चादर निकाल के की है,
जब थोड़ी सर्दी लगती है ना बाहर, थोड़ी ठंड है, तो बस नमाज पढ़ी है और अब बैठ के तस्बीह पढ़ूंगी। फिर थोड़ी देर इधर गली में वॉक करती हूँ, इधर 10 चक्कर लगाती हूँ दरवाजे तक, क्योंकि टांगों में दर्द होता है ना, इसलिए थोड़ा चलती रहती हूँ कि सुबह सुबह वॉक भी हो जाए। गलियों में तो जाया नहीं जा सकता कि गली बहुत गंदी है, कीचड़ मचे हुए हैं, वैसे भी ऊंची नीची हैं तो गिरने का डर होता है। इधर घर में थोड़ी सी चल फिर के वॉक कर लेती हूँ, दरवाजे तक जाती हूँ, फिर अपने इधर से अंदर 10 चक्कर लगाती हूँ। अभी तस्बीह पढ़ती रहूँगी तो वो चक्कर भी लगाऊँगी, और मैंने कहा मैं थोड़ी सी अपनी शक्ल भी दिखा दूँ, सुबह ऐसी बातें कर रही हूँ, देखो मेरी सेहत तबीयत कैसी लग रही है आपको, अल्लाह आपको खुश रखे, आपको सुख सेहत दे। और आप मेरे लिए दुआ भी किया करना कि अल्लाह पाक बस मुझे नज़र से ना बैठा है, मेरी नज़र सलामत रखे अल्लाह पाक। मेरा दिल नहीं करता कि मैं ऐसे बैठी रहूँ, मेरा दिल करता मैं काम करूँ, बहुत काम करके खुशी मिलती है मुझे, लेकिन थोड़ी मजबूरी हो गई है। पहले तो मैं सारे काम खुद करती थी, लुबना को हाथ भी नहीं लगाने देती थी, अब मजबूरी है, अब चुप करके बैठी रहती हूँ। फिर भी थोड़ी बहुत लगी तो रहती हूँ, आपको पता है जैसे। बस अल्लाह सबको खुश रखे अपने अपने घरों में, और सुख सेहत वाली ज़िंदगी आपको दे। आई है जी रुबाब, कज़न की बेटी है, शुमाइला है ना, जो शुमाइला की बहन है छोटी, तो ये उसकी बेटी है। ईद में आए हैं जी, ईद मिलने। अब आयो आप लोग ईद मिलने हैं, ईद मुबारक। बाप ईद मुबारक बोलो। ईद मुबारक। हाँ, नाम क्या है आपका? रुबाब। और ये ड्रेसेस का देखो, ओ आलियो बोलियो हो रही है, मनीषा मरी दीपक फजो फजो तो कितनी बड़ी। अम्मी की तबीयत जो है ना वो आजकल कुछ ठीक नहीं है, पूरे जिस्म अम्मी के दर्द रहता है, स्वेलिंग आप अम्मी के चेहरे पे देख रहे हो, ना सिर्फ चेहरे पे बल्कि पूरी बॉडी पर ही है। तो वो अभी ये कि डॉक्टर से दवाई ली है, डॉक्टर ये बता रहा है कि जिगर जो है ना वो सही से खून नहीं बना रहा, या पता नहीं सही से काम नहीं कर रहा। तो उसने कहा है कि आप रेगुलर हमसे मतलब इलाज करवाएं तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो सब आप लोग दुआ कीजिए, दवाई अम्मी ले रही हैं। और आगे कुछ नहीं बोलना। आगे क्या बोलना, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत होंगे। देखो कितना बड़ा लसन, प्याज प्याज प्याज, अब्दुल्ला हद का नया कोरस आ गया है, और अभी उसको जिल करवाने भेजा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तीसरी क्लास में हो चुका हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्र है माशाल्लाह। तो जी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहिए हमारे साथ। अम्मी ने भिंडियाँ काटी हैं और मैंने काटे हैं प्याज। भिंडियाँ क्योंकि वो लेस होती है ना, मेरे हाथों में लग जाती है। अब गैस नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, थोड़ी देर बाद देखते हैं। हम अंदर आए हैं किचन में के, मैंने घी भी डाला, सालन बनाते हैं, तो इधर गैस भी नहीं है। थोड़ी देर देखते हैं, 5 बजे आती है ना गैस, तो फिर देखते हैं। भिंडियाँ मैं खाती भी नहीं हूँ, तो जब काटनी होती हैं तो अम्मी कहती हैं कि मैं ही काट लेती हूँ, क्योंकि उसमें लेस होती है, हाथों पे लग जाती है, फिर वो हाथ जाके धोने पड़ते हैं, तो मेरे हाथ अगर गंदे हों तो फिर मैं व्हीलचेयर मतलब मुझे चलानी होती है, जो कि मुश्किल हो जाती है मेरे लिए। तो इसलिए जब भी भिंडियाँ पकाते हैं तो अम्मी काट देती हैं, और पकाते भी हम थोड़ी सी हैं, क्योंकि सिर्फ अम्मी खाती हैं ना, मैं भिंडियाँ खाती हूँ ना अब्दुल्हाद खाता है। तो क्योंकि मैं भिंडियाँ नहीं खाती, तो मैंने शुमाइला को बोला था कि मुझे थोड़ा सा सालन भेजना, उसने बनाए थे करेले की माँ, तो ये उसने सालन भेजा था। यहाँ पे मैं और अब्दुल्हाद खाना खा रहे थे, अम्मी तो अपने भिंडियों से खाना खा चुकी थी। नाश्ते के बाद अम्मी ने दवाई भी खाई है, उसके बाद जो ड्रॉप्स आंखों में डालती हैं अम्मी ने, वो ड्रॉप्स डाली हैं और अम्मी को नींद आ गई है। अब्दुल्ला हदाज स्कूल गया है, कल मंडे था, कल उसने जाना था लेकिन नहीं जा पाया, क्योंकि उसका जो न्यू कोर्स था वो बाद में आया था, मतलब कल लिया ना, तो इसलिए फिर आज गया है। अभी उसका न्यू बैग लेना है, वो फिर बाजार से चक्कर लगेगा तो ले आएंगे,
और इसकी खुद की पसंद का ही ले आएंगे ना, तो अभी किसी से मंगवाया नहीं है, जाएंगे खुद। इसकी नई यूनिफॉर्म भी लेनी है, इसका नया बैग भी लेना है। कोर्स तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है, वो फिर जाएंगे हम जब भी हम नेक्स्ट जाएंगे ना बाज़ार, कुछ और भी लेना होगा तो सिर्फ स्पेशल बैग के लिए तो नहीं जाएंगे, कुछ और भी चीज़ें एक तो जमा हो जाए फिर जाएंगे बाज़ार। तो बस इंशाल्लाह से ले आएंगे। माशाल्लाह अब्दुल्लाह की न्यू क्लास स्टार्ट हो चुकी है, बहुत सारी दुआ कीजिएगा उसके लिए और अम्मी के लिए भी स्पेशली बहुत सारी दुआ कीजिएगा कि अम्मी की तबीयत सही नहीं है आजकल, अम्मी की जो है ना कमज़ोरी बहुत हो गई है। डॉक्टर को हमने बोला है कि ना अम्मी को थोड़ी ताकत के कुछ टैबलेट लिख के दे या कुछ इंजेक्शन लगाए ताकि अम्मी की तबीयत बेहतर हो। अम्मी को बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है। आज अम्मी गई थी अब्दुल्ला को छोड़ने के लिए स्कूल, क्योंकि वो काफ़ी टाइम बाद जा रहा था ना, तो कह रहा था कि मुझे डर लग रहा है मैम डांटे ना, तो अम्मी ने कहा चलो मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। तो अम्मी जाते हुए अम्मी कहने कि मेरी टांगों में ना हो रहा था, मतलब कांप रही थी मेरी टांगें और मुझे चला नहीं जा रहा था। फिर अम्मी ने शुगर टेस्ट करवाया, शुगर तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह सही था, मतलब बल्कि लो ही था, 70 पे था। तो अब फिर यह है कि वीकनेस काफ़ी है अम्मी को, अम्मी के चलने का। एक तो अम्मी वैसे मतलब आँखों की वजह से अम्मी परेशान है, क्योंकि अम्मी की जो आई साइड है वो काफ़ी वीक हो रही है, उसकी अम्मी बहुत टेंशन लेती है, बहुत अम्मी इमोशनल हो रही हैं आजकल, बहुत सेंसिटिव हो गई हैं। बार बार मतलब दिन में ना, दिन में कई बार अम्मी इमोशनल हो जाती है, स्वेलिंग काफ़ी हो गई है, वो आपने देखी है वीडियो में। तो बस दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक अम्मी को सेहत दे। दवाई शवाई ले रहे हैं और याद के पापा आ जाए ना, आ गए हैं वैसे तो मुल्तान, मतलब उनको मैं कहती हूँ कि ना किसी जिगर के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं ना उनके पास अम्मी को ले जाएं और अम्मी का प्रॉपर इलाज करवाते हैं स्टार्ट। उसके बाद अम्मी की जो आँखों का डॉक्टर है उनसे भी चेकअप करवाते हैं। अल्लाह पाक अम्मी को सेहत दे। अम्मी जब दुखी होती हैं तो अम्मी जब तबीयत अम्मी की ठीक नहीं होती तो मैं खुद बड़ी डिस्टर्ब हो जाती हूँ। बहुत सारी दुआ कीजिएगा अम्मी के लिए। बाकी आज का ब्लॉग यही था, कुछ सही प्रॉपर ब्लॉग आज नहीं बन पाया, बस कुछ टोटे छोटे थे जो मैंने जोड़ के ब्लॉग बना लिया। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही था, इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर नए ब्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अम्मी को ज़रूर दुआ में अपनी याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।